सरकारी अस्पताल में दवाएं उपलब्ध होने के बाद भी बाजार से लिखी जा रही दवाइयां मरीज हो रहे परेशान। झांसी जिले के ब्लॉक गोसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शासन द्वारा उपलब्ध कराई सुविधाएं दवाइयां उपलब्ध होते हुए भी डॉक्टर बाजार से दवाइयां खरीदने का बना रहे पर्चा। मोटे कमीशन के लिए अपने चहेते दुकानदारों तीमारदारों के साथ खुल्लम खुल्ला लूट मचाए हुए हैं और स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां होने के बावजूद भी बाहर से लिखी जाती हैं। ऐसे ही आज 16 जून 2023 शुक्रवार को राजेश पुत्र चिंतामन निवासी सुभाष नगर गरौठा ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ओपी राठौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसराय को आप बीती लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उनकी पत्नी मोनिका को लेकर गोसराय अस्पताल आया तो डॉक्टर देवेंद्र बरैया ने मुझे कुछ दवाइयां तथा इंजेक्शन बाहर से लाने को कहा जो वह ले आया, लेकिन जब मैंने अस्पताल से जानकारी ली कि यह दवाइयां और इंजेक्शन के अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो बताया गया यह इंजेक्शन और दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं। इस संबंध में पीड़ित ने प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टर देवेंद्र बरैया द्वारा बाहर से लिखी गई पर्ची को भी शिकायती पत्र में संलग्न किया है। पीड़ित ने पत्रकारों के समक्ष पूरी घटना के बारे में बताया और निवेदन किया कि आज ये मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो, यह निवेदन किया। साथ ही ये भी कहा कि इस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई तो वह जिले से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक आला अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं गरौठा का निवासी हूँ। आज जब मैं अस्पताल गुरसराय में अपनी वाइफ को लेकर आया तो उसे शिकायत थी कमजोरी की, जिससे पैरों में जकड़न होती थी और थोड़ा दिल घबराता था। उसके लिए दवाइयाँ लिखी हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन थे। जब मैंने पूछा कि सर ये दवाई कहाँ मिले, तो उन्होंने डॉक्टर शेखर का नाम लिया मेडिकल स्टोर का। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ से दवाई लेकर आया, जब मैंने यहाँ पे पता किया कि सर ये दवाई अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन है जो मुझे बाहर से लिखा गया था, और यहाँ पे जो लगाया गया सरकारी ये वाला यहाँ पे अवेलेबल था, फिर भी मुझे बाहर से ये वाला मंगाया गया। तो ये एक कमीशन का चक्कर है, डॉक्टरों का जो कमीशन होता है उसके चक्कर में गरीबों को बाहर से ये दवाइयाँ मंगवाते हैं। फिर आपने और अधिकारियों से शिकायत की गुरसराय अस्पताल में? जी, मैंने अभी गुरसराय अस्पताल में शिकायत दी है साहब को, और चिकित्सा अधिकारी जी को। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं? फीडबैक यही कि कार्रवाई, इस पर कार्रवाई हो जाए और जो गरीब लोग आते हैं उनको अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वही दवाई, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे। CMO ऑफिस है हमारा, SDM साहब है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना आई है कि जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ भी हैं फिर भी बाहर से मंगाई जा रही हैं डॉक्टरों द्वारा। हाँ, अभी हमें एक मरीज के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी गई, और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी की और स्टाफ नर्स से भी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध भी की जा रही है और अस्पताल में सही की दवाइयाँ उपलब्ध। बाहर लिखने की, बाहर से दवाइयाँ मंगाने की सवाल प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जांच करा के। कौन डॉक्टर मंगाते हैं? उन्होंने जो डॉक्टर का नाम लिखा है उसमें डॉक्टर देवेंद्र बरैया का नाम उन्होंने शिकायती पत्र में दिया। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इनका कमीशन बना हुआ है दुकानों से। ये सब चीज़ें जाँच कराने के बाद।